3 जुलाई 2023 दुनिया की तारीख का सबसे गर्म दिन। इतना गर्म कि उसने दुनिया के ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर मतलब औसत दर्जा हरारत को बढ़ाकर 17.01 कर दिया। लेकिन क्या ये सिर्फ एक दिन का वाकया है? कराची के अंदर 2015 में हीट वेव आई थी। फॉर एनीवन लिविंग इन कराची वो एक याद रह जाता है 2015 की हीट वेव, क्योंकि अराउंड 1180 डेथ्स हुई थी उस वक्त कराची के अंदर सिर्फ, जब टेम्परेचर्स 45 डिग्री हुए थे और हीट इंडेक्स जो कि एक मेजर है कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों को लेके काउंट किया जाता है, तो वो अराउंड 66 डिग्रीज पे था। क्या उससे पहले गर्मी रेलेवेंट नहीं थी? क्या उससे पहले कोई अमवात नहीं होनी थी गर्मी की वजह से? कराची के अंदर 1939 और 1980 के अंदर भी इसी तरह की गर्मी आई थी, बट क्योंकि उसमें फेटैलिटीज़ का कोई हमारे पास फिगर नहीं है तो वो उस तरह एक ट्रिगर नहीं बना 2015 की हीट वेव में, लेकिन बन गया वो ट्रिगर। दुनिया के बड़े मेटेरोलॉजिकल सेंटर्स और वेदर रिसर्च सेंटर्स ये बताते हैं कि ये एक बतदरीज अमल है, मतलब ग्रेजुअल फिनोमेना है। दुनिया गर्म होते जा रही है और उसका जो औसत दर्जा हरारत है वो भी बढ़ता जा रहा है, तो उसके दो तरह के असरात निकल कर सामने आते हैं। एक तो ग्लोबल हीट वेव्स की सूरत में हमें दिखता है, जिसकी मिसाल हम अपने पड़ोसी ममालिक से ही ले सकते हैं कि चाइना में ही इसी साल लगातार 3 दिन दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर रहा, जो कि उनकी तारीख में कभी नहीं हुआ। और अगर हम दूसरे पड़ोस में देखें इंडिया में, तो इसी साल उनकी करीब 100 अमवात हुई हैं हीट वेव की वजह से। और ये सिर्फ इस खत्ते तक ही महदूद नहीं, बल्कि बड़े आजम अमरीका और यूरोप में भी हीट वेव्स के मनफी नतज देखने में आए हैं जो हलाकतों का बायस बने हैं। तो यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि अगर हीट वेव से बच जाया जाए और हलाकतें ना हो, तो इसके अलावा कोई बढ़ती हुई गर्मी के नुकसानात नहीं है? डेटा ही नहीं है जिसके बेसिस के ऊपर एक्शंस क्रिएट किए जाएं। एक हीट वेव आई, ये करेंगे, हीट वेव चली गई, खत्म कहानी। क्रॉनिक हीट कहाँ गया, जो मुसलसल हीट का इम्पैक्ट लोगों पे ऊपर आ रहा है, उसके लिए क्या कर रहे हैं, उसके लिए क्या अडेप्टेशन है, उसके लिए क्या मिटिगेशन है? मिटिगेशन है कि हम किस तरह ये जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसको रोक सकते हैं, और अडेप्टेशन है कि अच्छा रोक नहीं सकते तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आप को इस गर्मी से किस तरह बचा सकते हैं। और एक हीट वेव मैनेजमेंट प्लान असेंशली इन दोनों को अकाउंट करना चाहिए, इन दोनों चीज़ों के लिए अकाउंट करना चाहिए और फिर स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड करनी चाहिए, लेकिन वो एक गैप नज़र आता है। क्योंकि इस हीट वेव मैनेजमेंट प्लान के अंदर भी जो ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है हीट से बचने की, वो इंडिविजुअल पर ट्रांसफ़र कर दी गई है। आप घर से ना निकलें, आप अपने साथ पानी कैरी करें, वेयर इज़ द स्टेट। हीट वेव्स के कुछ दिन अगर निकाल भी दिए जाए तो ये ग्रेजुअली इंक्रीजिंग टेम्परेचर जो है, मतलब बतदरीज दुनिया का बढ़ता हुआ जो दर्जा हरारत है, ये हम पर और हमारे माहौल पर किस तरह असरअंदाज होता है? ये हमारी जिल्द से लेकर हमारे अंदरूनी आज़ा तक, दिल पर, जिगर पर, गुर्दों पर, हमारे दिमाग पर और हमारी नफ्सियात पर किस तरह असरअंदाज होता है? और इसके अलावा हमारे माहौल में अगर ज़रात के पेशे को उठा के देखें तो हमारी फसलों पर, गंदम की हो, चावल की हो, कपास की हो, या हमारी सब्जियां हो, या हमारे फलों की पैदावार पर किस तरह असरअंदाज होता है? हम ये समझ रहे हैं कि पूरी दुनिया में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। IPCC की स्टडीज आ रही हैं जो कहती हैं कि 1.3 डिग्री पे पूरी दुनिया वार्म अप हो रही है। बट व्हाट इज़ दैट 1.3 मीन? 1.3 का मतलब जो हर एक डिग्री है, हर 0.5 डिग्री के ऊपर जो चेंजेस आ रहे हैं और जो जिस तरह वो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं टू द वेज इन विच ह्यूमंस लिव, वो एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। हर 0.5 डिग्री के ऊपर आपकी फूड प्रोडक्शन अफेक्ट होती है, आपकी रेनफॉल कुछ जगहों पे ज़्यादा बढ़ जाती है, कुछ जगहों पे बहुत कम हो जाती है। जहाँ पे कम हो जाती है वहाँ पे ड्राउट का ख़तरा आ जाता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाती है वहाँ अर्बन फ्लडिंग एंड अदर काइंड ऑफ फ्लडिंग। तो अर्बन एरियाज़ तक महदूद रही, लेकिन रूरल एरियाज़ में जो फ्लडिंग है वो अफेक्ट होने लगती है। आपके इकोसिस्टम्स अफेक्ट होते हैं, आप कुछ किस्म के क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, कुछ नहीं ग्रो कर सकते, आपकी फसलें ज़्यादा जल्दी ख़राब होने लगती हैं। आपके कुछ स्पीशीज़ होते हैं जो उन थ्रेशहोल्ड पे सर्वाइव नहीं कर सकते, ये स्पीशीज़ आपके ऑन लैंड भी हैं, अंडर वाटर भी हैं। एवरी 0.5 इंक्रीज आपकी इन तमाम चीज़ों को अफेक्ट कर रहा है, और फिर उसमें एक अफेक्ट ह्यूमंस एंड ह्यूमन बॉडी के ऊपर है। एक स्टडी की गई UPenn के अंदर कि वो क्या टेम्परेचर की एक रीडिंग हम कह सकते हैं कि जिससे बढ़ जाए अगर तो हमारे लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। अब उसमें उन्होंने एक इंडेक्स यूज़ किया है जिसको वेट बल्ब ग्लोब टेम्परेचर कहते हैं। ये एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज स्टैंडर्ड है जिसके अंदर ना सिर्फ आपके टेम्परेचर को कंसिडर करते हैं, बल्कि हवा में जो नमी है, ह्यूमिडिटी, वो आपका सोलर रेडिएशन कितनी ज़्यादा है, आपका UV एक्सपोजर कितना ज़्यादा है, हवा कितनी चल रही है, इन तमाम चीज़ों को
एक होलिस्टिक तरीके में देखते हुए वो कहते हैं कि अच्छा ये एक टेम्परेचर रीडिंग हो सकती है। अब पहले जो है वो स्टडी ने कहा कि 35 डिग्रीज ये वो लेवल है जिसके बियॉन्ड इंसान के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है अगर वो गर्मी है, लेकिन अब एक नई स्टडी कहती है कि वो भी 31 डिग्री पे गिर गया हुआ है। इसका अफेक्ट हमारे ऑर्गन्स पे आता है, हर ऑर्गन गर्मी से डिफरेंटली अफेक्ट हो रहा होता है और वो ओवर टाइम अफेक्ट हो रहा होता है। आपका लिवर डिफरेंटली अफेक्ट होता है, आपके किडनीज डिफरेंटली अफेक्ट होते हैं, कुछ ऑर्गन ज़्यादा तेज़ी से आपको विजिबल जल्दी हो जाता है कि अच्छा ये ऑर्गन अफेक्ट हुआ है, एंड कुछ में ज़्यादा टाइम लगता है, जिसको फिर हम कहते हैं क्रॉनिक हीट, कि वो ओवर टाइम हीट के असरात आपकी बॉडी के ऊपर हो रहे हैं लेकिन आपको पता बहुत देर चलते हैं। तो ये कोई हीट स्ट्रोक की तरह नहीं है, जो हीट वेव में आपको एक इमीडिएटली गर्मी का इफेक्ट नज़र आता है, आपका या तो पसीना आपकी बॉडी क्रिएट करना रोक देती है या आपकी डिहाइड्रेशन हो जाती है, आपको हीट स्ट्रेस होता है, वो बहुत इमीडिएटली विजिबल होते हैं। लेकिन जो क्रॉनिक हीट है वो ओवर टाइम आपकी बॉडी को अफेक्ट कर रही है और वो नहीं पता चलती या बहुत देर से पता चलती है, और हम जब अपनी पॉलिसी मेकिंग को देखते हैं तो वो क्रॉनिक हीट का तो तस्करा ही नहीं मिलता। सारी कॉन्वर्सेशन जो थोड़ा बहुत भी अभी तक काम हुआ है हमारे कॉन्टेक्स्ट में, पाकिस्तान में, कराची में, वो सब हीट इवेंट के ऊपर है। अक्यूट हीट कहते हैं उसको, कि एक हीट वेव आई, उसके असरात हुए, वो ख़त्म हुए, एंड ऑफ स्टोरी। और ये अर्बन हीट आइलैंड क्या बला है? हीट भी हर जगह सेम नहीं है, गर्मी हर जगह सेम नहीं है, ना पूरी दुनिया में सेम है, ना पूरे पाकिस्तान में सेम है, ना पूरे कराची में सेम है। हमने 60 साल का पाकिस्तान मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट से डेटा लेके एक स्टडी कंडक्ट करी थी, जिसमें हम कंपेयर कर रहे थे कि पिछले 60 साल में कराची एयरपोर्ट के ऊपर और मसरूर एयरबेस जो है, क्योंकि ये दो जगह हैं जहाँ पे वेदर स्टेशंस अभी तक हुए हैं, वहाँ पे कितना टेम्परेचर डिफरेंस हमें मिलता है। दिन के वक्त जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वो मसरूर बेस पे ज़्यादा है, 1.6 डिग्रीज का टेम्परेचर इंक्रीज नज़र आता है मसरूर पे। लेकिन जो रात के टेम्परेचर चेंजेस हैं एयरपोर्ट पे, जो कि अब वेरी मच सिटी सेंटर के करीब आ गया हुआ है, ऑफ कोर्स इनिशियली वो सिटी से थोड़ा दूर था लेकिन अब उसके अराउंड भी इतनी बिल्ड डेंसिटी आ गई है, बिल्डिंगें आ गई हैं, एक्टिविटी बढ़ गई है, उस सब की वजह से जो रात का टेम्परेचर इंक्रीज है इन द लास्ट 60 ईयर्स वो 2.4 डिग्रीज है, विच इज़ मैसिव। दुनिया में इस कॉन्सेप्ट को अर्बन हीट आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि जो अर्बन एरिया है जहाँ पे ज़्यादा बिल्डिंगें हैं, ज़्यादा लोग हैं, वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और जो रूरल है, जो परीफरी है, जो बाहर की तरफ है, उधर कम होता है। और ये जो रात का टेम्परेचर चेंज है उसको एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक समझा जाता है ये समझने के लिए कि किसी शहर में अर्बन हीट आइलैंड है या नहीं है। तो हमें पता लग रहा है कि कराची के अंदर अर्बन हीट आइलैंड है, और फिर हमने देखा है कि कराची के अंदर मटेरियल्स भी चेंज होते गए हुए हैं। तो ब्रिटिश टाइम के अंदर पत्थर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता था, जब हम पोस्ट पार्टीशन आए, हम मॉडर्न बिल्डिंग्स की तरफ गए, हमें हाई राइजेस कंस्ट्रक्ट करने थे, हम कंक्रीट की तरफ शिफ्ट हो गए। पत्थर की दीवार थी वो 18 इंच की होती थी, वो गर्मी को एक तरह से इंसुलेट कर रही थी, आपके अंदर कम गर्मी महसूस होती थी। अभी भी जो लोग पुराने इलाकों में पत्थर के घरों में रह रहे हैं, जिनकी पत्थर की दीवारें हैं, वो ये क्लेम करते हैं कि उनका घर गर्मियों में ठंडा होता है और सर्दियों में गर्म होता है, क्योंकि वो एक इंसुलेशन क्रिएट हो गई। कॉन्क्रीट अलग तरह वर्क करता है, कॉन्क्रीट के घर कंपेरेटिवली गर्म होते हैं। और फिर हम एक स्टेप और ऊपर चले गए, क्योंकि हमने वर्ल्ड क्लास सिटी बनानी थी, तो हमने शीशे की बिल्डिंगें बनाना शुरू करी, स्टील की बिल्डिंगें बनाना शुरू करी। शीशा रिफ्लेक्ट भी करता है गर्मी को, यानी कि एक तो वो आपकी बिल्डिंग भी गर्म है, उसको आप ठंडा करने के लिए आपको स्पेसिफिक काइंड ऑफ मैकेनिकल सिस्टम्स, एसी आपका ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, और फिर जो गर्मी रिफ्लेक्ट हो रही है उस शीशे की दीवार से, जो उस बाहर सड़क के ऊपर जो लोग उस सड़क को दिन के अंदर ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उनके लिए वो गर्मी बढ़ा रही है। तो हमने जिस तरह अपने मटेरियल्स को ट्रांजिशन किया है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि क्यों हमें शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में अलग किस्म की गर्मी महसूस होती है। आप एक शीशे की बिल्डिंग के सामने खड़े हों, आप एक कॉन्क्रीट की बिल्डिंग के सामने खड़े हों, आप एक पत्थर की बिल्डिंग के सामने खड़े हों, आपका अपना एक्सपीरियंस, भले आप अंदर हों या बाहर हों, बहुत डिफरेंट होगा। उम्मीद करते हैं कि बढ़ती गर्मी और उसके मनफी असरात के हवाले से आपके जो भी सवालात हैं, इस वीडियो रिपोर्ट ने बखूबी उनके जवाबात दे दिए होंगे। साथ में ये भी उम्मीद करते हैं कि अब आप बेहतर सवालात उठाकर सरकार से ये तकाजा करेंगे कि वो बेहतर पॉलिसीज बनाएं, और हाँ, अपनी फीडबैक से ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा। हो गया।
भाई चलने यार, बहुत गर्मी हो रही है।